फिरोजाबाद से है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित किया, तो वहीं उनके कब्जे से 1 दर्जन से अधिक चोरी की बाइक भी बरामद की है। दरअसल आपको बता दें, एसएसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे वांछित अपराधियों के धरपकड़ के अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजाबाद के थाना उत्तरवा टुंडला पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान वाहन चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 1 दर्जन बाइक बरामद की है। तो वहीं टुंडला क्षेत्र में 4 अभियुक्त फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर तलाशी शुरू कर दी है। वहीं एसपी सिटी मुकेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। यह प्रकरण थाना टुंडला तथा उत्तर से संबंधित हैं। पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद महोदय ने हम लोगों को टास्क दिया था कि बाइक चोरी का जिस हिसाब से घटनाएं इधर कुछ बढ़ी हैं उनमें तत्परता से कार्रवाई करनी है। तो इस पे दोनों एसएचओ ने लग के 2 अलग अलग गैंग वर्कआउट किए हैं, जिसमें कुल 5 अभियुक्त और 12 बाइक्स बरामद की हैं इन्होंने चोरी की। अलग अलग बताऊँ अगर तो थाना टुंडला में प्रभारी निरीक्षक टुंडला ने कुल 3 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक, और प्रभारी निरीक्षक उत्तर ने 2 चोर पकड़े हैं और उनकी निशानदेही से 6 बाइक्स उन्होंने बरामद की है। और जो उत्तर में चोर पकड़े गए हैं वो रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जो टुंडला में चोर पकड़े गए हैं वो तीनों ही चोर थाना ताजगंज आगरा के रहने वाले हैं। इनको पर्याप्त सबूतों के साथ आज माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। कुछ अन्य लोगों के भी प्रकाश में आए हैं नाम, जिन पे हम लोग तत्परता से कार्रवाई करेंगे और शीघ्र ही अन्य खुलासे भी करेंगे। सर, ऐसे क्या होते हैं? देखिए, युवा हैं और युवाओं की अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए ये लोग ये चोरी करते हैं, इनको बेचते हैं, इनका नंबर प्लेट भी चेंज करते हैं ये लोग, चेंज करके इसको बेच देते हैं और उसके बाद जो धन उगाही होती है उससे अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करते हैं। सर, कोई गिरोह है पहले भी पकड़े गए हैं या नए शुरुआती तौर पर जो गिरोह बना है? जी नहीं, इनका अभी ये नया प्रकाश में आया है। अन्य आपराधिक इतिहास की अभी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं, अगर कहीं होता है तो उसको आपको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल इनका ये पहला मामला प्रकाश में आया है। ठीक है, थैंक यू।